Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamualaikum. Before I move on to the second lecture of the job posting, let's revise what we have studied in the previous lecture. So this is a diagrammatically representation of job posting, and this is a job posting overview, and in which all the seven steps have been shown that we have learned in the first lecture. So आप इसमें देख सकते हैं starting from below. नीचे से अगर शुरू करें तो सबसे पहले जो है जॉब और कॉस्टिंग किसी भी लेक्चर के स्टार्ट में आपसे मैं डिस्कस किया करता हूँ. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. सो नीचे से शुरू करते हुए डायरेक्ट मटेरियल्स एंड डायरेक्ट लेबर, ये डायरेक्ट कॉस्ट हैं, ये एलोकेट हो गई. उसके बाद फिर तीसरी कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड सबसे ऊपर आए ये बॉक्स के अंदर. इसके अंदर आपको नजर आ रही है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट जो है वो 1.12 मिलियन. तो इसमें हमने इनडायरेक्ट कॉस्ट का पूल बना लिया, इनको इकट्ठा कर लिया, टोटल जो है इनडायरेक्ट कॉस्ट आ गई. फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको याद है कि हमने कॉस्ट एलोकेशन बेस को डिसाइड करना है. कॉस्ट एलोकेशन बेस, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में बात हो चुकी है, सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव डायरेक्ट लेबर आवर्स है या मशीन आवर्स है. तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट मैनुफैक्चरिंग लेबर आवर्स का इंतखाब किया, 8,000 manufacturing labor hours. So this was cost allocation base. By dividing the allocated manufacturing total manufacturing overhead cost divided by the allocation base, we get the rate for manufacturing overhead cost per allocation base per direct labor hour, which is $40 per direct manufacturing labor hours. So this is all about the job costing overview. So ये $40 से नीचे देखें, यहाँ पे एक लाइन आ रही है. तो इस $40 की मदद से हम एक्चुअल जो है वो डायरेक्ट लेबर आवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस रेट को, तो हमारे पास एलोकेटेड मैनुफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी. और ये नीचे वाले दो ट्राइंगल्स जो हैं दे आर गोइंग अपवर्ड्स एंड गिविंग अस डायरेक्ट कॉस्ट. तो नीचे जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट आ गई, इस लाइन के ऊपर जो है एलोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट आ गई. इस लाइन से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सो जो लाइन नज़र आ रही है ये डिवाइडेड बाय की लाइन नहीं है, ये वैसे ही एक लाइन लगाई गई है. इस लाइन से नीचे डायरेक्ट कॉस्ट है और इस लाइन से ऊपर एलोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट है. सो this is all about our previous lecture. Let's move on to our next topic, which is related to the cost flow in the job costing. Before I move on to the flow of cost in job costing, let's learn about job cost sheet, how this sheet looks like and what are its contents. First of all, see the flow of cost in a job order cost system. This is also a brief summary of the flow of cost in a job order cost system, in which you have seen from previous slide there were three manufacturing cost elements: direct materials, direct labor and factory overhead. And we had got some estimation process involved in the factory overhead or manufacturing overheads. ये तीन जो हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एलिमेंट्स जो हैं सबसे पहले रिकॉर्ड होते हैं हमारी जॉब कॉस्ट शीट में, और फिर जॉब कॉस्ट शीट से जो है ये वर्किंग प्रोसेस के अंदर इसमें जो है वो एंट्री की जाती है, और फिर यहाँ से फिनिश गुड्स की तरफ हम प्रोसीड करते हैं. तो जॉब कॉस्ट शीट एक बेसिक शीट होती है जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन जॉब ऑर्डर से रिलेटेड रिकॉर्ड होती है. लेट्स मूव ऑन टू दैट जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट. दिस इज let's define के क्या होती है. After accepting the orders and planning the manufacturing requirements as to the materials, labor and overheads, the cost accounting department set up a job cost sheet for each job. Each job से मतलब एक हर एक order के लिए एक अलग job cost sheet prepare कर ली जाती है. A job cost sheet, also known as a job cost record in an automated accounting system, records and accumulates all the costs assigned to a specific job. ये इसकी डेफिनेशन भी हो गई कि ये क्या होती है. ये रिकॉर्ड होता है इन एन ऑटोमेटेड अकाउंटिंग सिस्टम. रिकॉर्ड्स एंड एक्यूमुलेट्स, रिकॉर्ड्स
एंड एक्यूमुलेट्स ऑल द कॉस्ट असाइन टू अ स्पेसिफिक जॉब, एक खास जॉब में होने वाली तमाम जो है वो कॉस्ट को ये रिकॉर्ड भी करती है एंड एक्यूमुलेट इकट्ठा भी करती है ताकि हम उसको देख सकें। अब हम आते हैं इस शीट की जो है वो पिक्चर की जानिब। दिस इज जॉब कॉस्ट शीट। जॉब कॉस्ट शीट को आप इस वक्त देख रहे हैं, इसको मैं अगर आपके सामने कंप्लीट फॉर्म में ले आऊं, सो लेट्स सी दिस इज जॉब कॉस्ट शीट। सो हाउ इट लुक्स लाइक यू आर सीइंग दिस इज जॉब कॉस्ट शीट। इसके अंदर जो है वो सबसे ऊपर यू कैन सी कंपनी नेम होता है, उसके बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इन कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है वो कुछ डेटा फीड होता है, इम्पोर्टेंट डेटा होता है। सबसे ऊपर कस्टमर नेम, उसके एड्रेस, जॉब नंबर, डेट व्हेन द जॉब वाज स्टार्टेड, डेट व्हेन द जॉब वाज कंप्लीटेड एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू बी कंप्लीटेड एंड प्रोडक्ट नेम। जैसे कि आप देख रहे हैं चेयर्स, हमारी एग्जांपल जो इस पर चल रही है, चेयर्स जो है वो बनानी है स्पेसिफिक ऑर्डर की, तो इस तरह से जो है उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है, तो मखसूस जो भी है ये डिज़ाइन है, मॉडल है, व्हाटएवर इट इज। इन सब चीज़ों के बाद हम असल अपने अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो असल पोर्शन की तरफ आते हैं। एज यू ऑल नो के ये डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड पे मुश्तमिल होता है। अच्छा, एक और चीज़ आप इसमें साथ के साथ लगते हैं, आप ये चीज़ भी नोट कर रहे हैं कि ये एक्सेल के ऊपर ये बनाई गई है। आप में से कोई भी जो है वो इसको बना सकता है, एक जॉब कॉस्ट शीट डिज़ाइन कर सकता है और इसके अंदर आपके सामने है, बहुत इजीली ये प्रिपेयर हो जाती है। तो वही तीन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एलिमेंट्स आपके सामने नजर आ रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। अब इसमें डायरेक्ट मटेरियल्स कैसे बनाई गई है, इसमें डेट है, मटेरियल्स रिक्विजिशन है, स्टोर रूम से मटेरियल जिस रिक्विजिशन नंबर के हवाले से उसको मंगवाया गया वो लिखा हुआ है, उसकी अमाउंट डॉलर्स में लिखी हुई है। डायरेक्ट लेबर डेट वाइज, ठीक है, फरवरी 27, 28 को इसके ऊपर काम हुआ, और वर्कर्स की टाइम टिकट्स इसके ऊपर है, उसका नंबर लिखा हुआ है और उसकी अमाउंट टोटल कैलकुलेशन से जो आई है वो लिखी हुई है। फिर ओवरहेड के बारे में आप जानते हैं कि वो हम उसको एस्टिमेट करते हैं, उसका एक जो है वो एक अंदाज़ा लेते हैं, एस्टिमेट लेते हैं, फोरकास्ट लेते हैं। तो ये तीनों अमाउंट्स आपके सामने आ गए। फिर ये नीचे आए ज़रा, तो ये समरी आपको नज़र आ रही है, ठीक है, 18th रो में। फिर उसके बाद उसमें डायरेक्ट मटेरियल्स, लेबर, ओवरहेड को लिखा और उसके बाद फिर ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट के अंदर जो है वो इसमें ऐड किया जाता है प्रॉफिट मार्जिन को, और प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने के बाद हमारी टोटल सेलिंग प्राइस आ जाती है। सेलिंग प्राइस में से हम जो है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को माइनस कर रहे हैं और ये हमारा प्रॉफिट आ गया। तो ये जॉब कॉस्ट शीट जो है इस तरीके से एक ऑर्डर को समराइज करती है और उस एक ऑर्डर पे हासिल होने वाला हमें ग्रॉस प्रॉफिट शो करती है। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर प्रीवियस स्लाइड्स। सो ओके, लेट्स मूव ऑन टू फ्लो ऑफ कॉस्ट एंड जॉब कॉस्टिंग। So here you can see the arrow. It is showing that there is balance sheet, there is income statement. Items have been distributed in the two categories. So balance sheet items, as you know that balance sheet contains assets, liabilities and equity, and surely in these three items should be assets, should be of assets category. So let's see. तो सबसे पहले आप देखते हैं कि फ्लो ऑफ कॉस्ट जॉब कॉस्टिंग में कैसे होता है कि परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स किया जाता है, परचेज ऑफ डायरेक्ट लेबर होती है। ये दो डायरेक्ट कॉस्ट को उन्होंने ये ऊपर वाले बॉक्स में डाल दिया। अच्छा, तो ये ट्रेस होके एरो जो है चला गया कन्वर्जन इन टू वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में ये कन्वर्ट हो गए। अच्छा, देन दूसरी जो कैटेगरी आ गई वो इनडायरेक्ट कॉस्ट की आ गई। इनको हम जो है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट जो है उसको हमने इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर एंड एनी अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट
ये इधर नहीं लिखा हुआ लेकिन ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में लर्न कर चुके हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को अगर आप डिफाइन करें, क्लासिफाई करें, तो उसमें तीन मेजर कैटेगरीज आती हैं, एक इनडायरेक्ट मटेरियल्स, एक इनडायरेक्ट लेबर और तीसरी एनी अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है उसके अंदर शामिल होती हैं। उसमें डेप्रिसिएशन हो सकती है, उस जगह का रेंट हो सकता है, उस जगह के टैक्सेस हो सकते हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, अब एक सबसे अहम इस वक्त एरो आपको नजर आ रहा है, ये जिसके ऊपर मैं जो है वो कर्सर को मूव कर रहा हूँ, दैट इज इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट। तो परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ये तीन कॉस्ट जो हैं इनको जो है इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं। तो इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट का क्या मतलब है, इन वर्ड्स पे अगर आप गौर करें, इफ यू कंसंट्रेट ऑन दिस वर्ड इन्वेंटोरिएबल, तो ये इन्वेंटोरी से ही लफ्ज निकला है इन्वेंटोरिएबल, यानी जिसको इन्वेंटोरी में कन्वर्ट किया जा सके। तो ये तीन कॉस्ट हैं, डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर एंड मैनुफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ये तीन कॉस्ट हैं जिनको हम जो है वो इन्वेंटोरी में कन्वर्ट कर चुके हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो क्या इन्वेंटरी होती है जिसको हम इन तीन कॉस्ट को इन्वेंटरी में कन्वर्ट कर सकते होते हैं, वो वर्किंग प्रोसेस इन्वेंटरी होती है जो है, उसके बाद जो है ये फिनिश गुड्स इन्वेंटरी में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये तीन कॉस्ट हैं ये इन्वेंटरी में कन्वर्ट हो सकती है। तो वर्किंग प्रोसेस इन्वेंटरी, फिनिश गुड्स इन्वेंटरी जो है ये आपके सामने एक एसेट की शक्ल में आ जाती है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन ये पता होता है कि डायरेक्ट मटेरियल्स जो है वो एक, जब तक ये डायरेक्ट मटेरियल्स रॉ मटेरियल्स की शक्ल में है ये एक एसेट है, डायरेक्ट लेबर जो है वो एक कॉस्ट है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी एक कॉस्ट है। तो मटेरियल्स, लेबर और ओवरहेड, वो मटेरियल जो कि हमने उसको वर्किंग में लगा दिया है वो कॉस्ट कहलाता है। तो मटेरियल्स, लेबर एंड ओवरहेड ये तीनों कॉस्ट होती हैं, ये जब ट्रेस और एलोकेट होके वर्किंग प्रोसेस में कन्वर्ट होती हैं तो ये वर्किंग प्रोसेस इन्वेंटरी बन जाती हैं जो कि एक एसेट होता है, और फिनिश गुड्स भी एक एसेट होता है। तो लिहाजा ये बात हमारी कंप्लीट हुई। इसमें और बहुत सारी डिटेल है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड एक्सपेंस, या हम इसको किसी एक सेपरेटली पूरे एक लेक्चर में कवर करेंगे के व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड एक्सपेंस। ऑल्दो आप इसको प्रीवियस अपनी क्लासेस में, कोर्सेज में शायद पढ़ चुके होंगे, लेकिन ये है कि एक मरतबा इसको करंटली दोबारा से हम डिटेल के साथ भी किसी लेक्चर में देखेंगे। अच्छा, अब बैलेंस शीट से आगे हम चले। तो जब फिनिश गुड्स बन के तैयार हो चुकी हैं, सब कुछ जो है वर्क इन प्रोसेस में, ये तीनों इन्वेंटरी, डिजाइनिंग मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, फिर ये बन के तैयार हो गई और वो फिनिश गुड्स में आ गए, और फिर जब ये सेल आउट होने के लिए जब ये मार्केट में हमने उनको सेंड कर दिया, सेल आउट हो गई, व्हेन द सेल्स अकर्ड, तो ये इनकम स्टेटमेंट आइटम बन जाता है। इनकम स्टेटमेंट के नीचे आप देख रहे हैं कि रेवेन्यू लिखा हुआ है, रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कंपेयर किया गया, ठीक है। और फिर ये लाइन, ये वर्टिकली ज़रा देखिए, मैं नीचे आ रहा हूँ, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट में से ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल है मार्केटिंग एक्सपेंसेस, कस्टमर सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह। तो इधर जो है अब हम फ्लो ऑफ कॉस्ट जो है देख चुके हैं, ये सारा एक बार समराइज कर दिया गया है ताकि आपका अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, व्हाट इज फ्लो ऑफ कॉस्ट। तो ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है, उसकी रीज़न ये है कि ये सारी की सारी हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की ये बुनियाद बनेगा, लिहाजा इसलिए इसके ऊपर हम थोड़ा सा कंसंट्रेट ज़्यादा कर रहे हैं। सो फ्लो ऑफ कॉस्ट इन जॉब कॉस्टिंग से अब हम मूव करते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमें मज़ीद जो है रिकॉर्डिंग का प्रोसेस बताएगा, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर एज यू नो दैट द अकाउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम रिकॉर्डिंग द जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल्स जो हैं वो एंट्रीज आर मेड एट ईच स्टेप ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, द पर्पस इज टू हैव द अकाउंटिंग सिस्टम क्लोजली रिफ्लेक्ट द एक्चुअल स्टेट ऑफ द बिजनेस, इट्स इन्वेंटरीज एंड इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस।
सो जनरल एंट्रीज को स्टार्ट करते हैं. तो ऑब्वियसली एज यू नो दैट देर आर थ्री मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट एलिमेंट्स जिनके बारे में हम मुख्तलिफ जो है वो स्टेप्स पे डिस्कस करते चले आए हैं. तो ऑब्वियसली हम मेनली जो कंसनट्रेट करेंगे वी विल बी कंसनट्रेटिंग ऑन द एंट्रीज फॉर डायरेक्ट मेटीरियल, डायरेक्ट लेबर, मैनुफैक्चरिंग ओवरहेड्स, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स. तो ये जो हमने प्रीवियस स्लाइड में फ्लो ऑफ कॉस्ट का मॉडल देखा है तो हमारी जनरल एंट्रीज भी उस फ्लो ऑफ कॉस्ट के मॉडल के ही इर्द गिर्द मूव करेंगे. So as far as actual indirect costs या actual overhead costs are in concerned, as far as they are concerned, are accumulated in the manufacturing overhead control account. जो असल manufacturing overhead costs होती हैं वो with the passage of time, जैसे जैसे एक manufacturing overhead cost incur होती चली जाती है हम उसको record करते चले जाते हैं. और let's see, start with the first entry. तो इस इन जनरल एंट्रीज को जो है वो आप अंडरस्टैंड करें. टेक्स्ट बुक आपको प्रोवाइड की गई है, टेक्स्ट बुक में भी इसको देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं. सो परचेज ऑफ मटेरियल्स व्हिच इंक्लूड्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल्स दोनों शामिल हैं. तो मटेरियल्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट एंड अकाउंट्स पेएबल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट. अकाउंटिंग के स्टूडेंट समटाइम्स ये पूछते हैं कि कंट्रोल का लफ्ज़ी मतलब क्या है. तो कंट्रोल का लफ्जी मतलब ये होता है कि यहाँ पे अगर फर्ज किया कंट्रोल की जगह लफ्ज टोटल बोलें यानी मटेरियल्स टोटल अकाउंट, तो फिर इसकी सेंस क्लियर हो जाती है कि यानी इसके अंदर मटेरियल्स तमाम तर मटेरियल्स जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं. इसमें तमाम तर मटेरियल्स यानी कि जो परचेज किए जाते हैं डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट हैं या सप्लाईज हैं, मार्केटिंग सप्लाईज हैं, व्हाट्सो एवर, वो इसमें हमने परचेज कर लिए. अच्छा, नेक्स्ट इज मटेरियल्स परचेज करने के बाद, रॉ मटेरियल्स परचेज करने के बाद उसका यूजेज स्टार्ट होता है. यूजेज जो है वो डायरेक्ट यूजेज भी हो सकता है, इनडायरेक्ट यूजेज भी हो सकता है. अगर यूजेज डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट मटेरियल्स का यूजेज होगा तो वो वर्किंग प्रोसेस को चार्ज होगा. अगर वो इनडायरेक्ट यूजेज होगा तो वो मैनुफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को चार्ज होगा. और एज यू नो के जो है वर्किंग प्रोसेस अकाउंट को हमने डेबिट किया तो ये हमारा कॉस्ट अकाउंट भी है और एसेट अकाउंट भी है. तो इसको हम डेबिट कर रहे हैं. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो हमारा जो है वो कॉस्ट अकाउंट है. इस वक्त जो है वो अभी इन प्रोसेस है. तो इन दोनों को हमने डेबिट किया. तो ये इंक्रीज हुआ है इनकी अमाउंट में, इनके ऊपर ट्रांसफ़र हुआ, लिहाजा हम इसको डेबिट कर रहे हैं. और मटेरियल्स की अमाउंट में कमी हुई, इनको हम क्रेडिट कर रहे हैं. एक और इसका आसान तरीका कि क्यों डेबिट किया, क्यों क्रेडिट किया, जब आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इसमें क्लियर नहीं है तो इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में ट्रांसफ़र एंट्री का कंसेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है. कि सपोज दीज आर कॉस्ट अकाउंट्स, तो एक कॉस्ट अकाउंट से दूसरे कॉस्ट अकाउंट में अगर एक चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है तो जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है तो उसके अंदर इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट कर देना है, और जिस कॉस्ट अकाउंट में से डिक्रीज हो रहा है तो उसको आपने क्रेडिट कर देना. तो ये दोनों तरीकों से ये डेबिट एंड क्रेडिट मैंने इसमें आपके साथ शेयर कर लिया. सो नेक्स्ट मूव ऑन टू आवर मैन्युफैक्चरिंग लेबर या पेरोल. तो ये जो पेरोल कॉस्ट होती है या लेबर कॉस्ट होती है इसमें भी उसी तरीके से डायरेक्ट मटेरियल्स की तरह ही होगा. तो इसमें अगर वर्किंग प्रोसेस अगर डायरेक्ट लेबर है तो वर्किंग प्रोसेस को चार्ज होगी, अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट है इनडायरेक्ट लेबर है तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को चार्ज होगी. और पेमेंट्स जो हैं लेबर की कैश में ही होती हैं, इसलिए इसको कैश क्रेडिट कर दिया गया. नाउ लेट्स सी अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड. तो इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है ये हम देखते हैं. सो इसके अंदर शामिल होता है एक मुख्तलिफ जो है वो कॉस्ट शामिल होती हैं, जिसके अंदर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे शेयर किया कि रेंट की कॉस्ट हो सकती है, डेप्रिसिएशन की कॉस्ट हो सकती है. तो इस वक्त आपके सामने यही डेप्रिसिएशन वाली जो है वो कॉस्ट आपके सामने शेयर हो रही है. तो डेप्रिसिएशन के अंदर इस वक्त
जो है आपको पता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो इस पूरी एंट्री को अलहदा से करने के बजाय और उसको फिर क्लोज करने के बजाय डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो क्या किया गया उसको पहले ही एक्सपेंस को मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर दिया गया, यानी उस एक्सपेंस को डायरेक्टली हमने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल को डेबिट दे दिया और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसका ओरिजिनल क्रेडिट अपनी जगह हमने मेंटेन रखा और उसका डेबिट जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बजाय एक ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को डाल दिया। इसी तरह दूसरे तीसरे जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको हमने ट्रांसफ़र कर दिया मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल में और कैश को क्रेडिट कर दिया। इसकी जो है वो डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं एंट्रीज के नीचे और जो है ये हमारा अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट इसके अंदर आ जाता है। ओके, ये जो डेप्रिसिएशन की एंट्री अभी थोड़ी देर पहले आपने देखी इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करने के लिए आपके साथ ये टेक्स्ट बुक शेयर कर रहा हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग बाय वेंडरबैक। इसमें आपको बहुत आसानी के साथ समझ आ जाएगी कि ये डेप्रिसिएशन जो है किस तरह से। इधर देखें एक सिचुएशन के मंथली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द बिल्डिंग जो है वो एक मौजूद है एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द स्क्वेयर फुटेज यूज बाय द मैनुफैक्चरिंग एंड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, यानी टोटल जो है डेप्रिसिएशन का 90% जो है वो मैनुफैक्चरिंग जो है सेक्शन को चार्ज होगा क्योंकि माइट भी फैक्ट्री एरिया बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा बिल्डिंग का हिस्सा यूज़ करते हैं, तो उसका 90% जो है वो मैनुफैक्चरिंग को चार्ज होगा। मैनुफैक्चरिंग से मराज ये है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, इन तीनों को मिला के हमारी टोटल मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट बनती है, तो उसमें से जो है मैनुफैक्चरिंग ओवरहेड को जो है ये डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी जाएगी, उसको ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं कि जैसे कि प्रीवियस एंट्री में मैंने आपके साथ शेयर किया था 90% शेयर बना 1125 ऑफ दिस डेप्रिसिएशन, सो फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को डेबिट किया हुआ है। ब्रैकेट्स में आपको समझाने के लिए आसानी की खातिर बता दिया है कि दिस इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ बिल्डिंग, तो आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ बिल्डिंग कर देते और फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कर देते फिर उसके बाद ट्रांसफर एंट्री करते, तो उससे बेहतर ये है कि आपने फैक्ट्री ओवरहेड को डायरेक्टली डेबिट कर दिया और इसी तरह सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को भी डायरेक्टली डेबिट कर दिया। तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड अगर डेप्रिसिएशन है तो इट्स बेटर कि आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का अकाउंट है फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स उसको आप डेबिट कर दें, और 10% पोर्शन जो है वो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड था डेप्रिसिएशन का, लिहाजा आपने डायरेक्टली सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और क्रेडिट जो है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कर दिया। इस तरीके से आपको बहुत बात आसानी से वादे हो चुकी होगी। तो नेक्स्ट इसकी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एंट्री टू रिकॉर्ड मंथली डेप्रिसिएशन फॉर मशीनरी एंड इक्विपमेंट, पहले बिल्डिंग की बात हुई थी अब मशीनरी एंड इक्विपमेंट है, तो मशीनरी एंड इक्विपमेंट आप लोग समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री में होती है, फैक्ट्री में होती है तो फिर इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ मैनुफैक्चरिंग से रिलेटेड, तो इसका 100% जो है वो मैनुफैक्चरिंग ऑपरेशंस में होगा, तो मैनुफैक्चरिंग से रिलेटेड डेप्रिसिएशन जो है जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट है, तो इनडायरेक्ट मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट को फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज होना चाहिए, तो फैक्ट्री ओवरहेड आपके सामने डेबिट हुआ हुआ है और ब्रैकेट्स में डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट जो है वो लिखा हुआ है, नीचे एंट्री के जो नोट होता है उसके अंदर भी लिखा जाता है, उसमें वाजे हो जाएगा और इधर ब्रैकेट्स में भी आपको शो करती है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है उसी तरीके से क्रेडिट हो गया। इस तरह से आपको बात वाजे हो गई। ये दो एग्जाम्पल्स आपके साथ मैंने फैक्ट्री ओवरहेड की या मैनुफैक्चरिंग ओवरहेड की जो है वो डेप्रिसिएशन की शेयर कर ली, और अब तीसरी एक और एग्जाम्पल बहुत वाजे करने के लिए कि तीसरा एक मैनुफैक्चरिंग ओवरहेड का बहुत मेजर जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट होता है यूटिलिटी बिल्स वगैरह। कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज फॉर द मंथ ऑफ फरवरी इज $1300, सो दिस इज एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट अगेन एलोकेटेड बाय बिल्डिंग स्क्वायर फुटेज, इसमें भी जो है वो बिल्डिंग का जितना इस्तेमाल होता है उस हिसाब से हमने इसको फैक्ट्री बिल्डिंग और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो वही रेशियो 90% to 10%, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करने से फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट किया ब्रैकेट्स में यूटिलिटीज एक्सपेंस और डेबिट कर दिया और अकाउंट्स पेबल जो है वो हमने क्रेडिट कर दिया। इस तरह से अब आपको बात वाजे हो गई होगी
फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट जो है उसके अगर इंडिविजुअल आइटम्स हैं तो वो डायरेक्टली उसमें आप फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट कर देंगे या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो इस तरह से ये चीज़ें रिकॉर्ड फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट में होती चली जाएंगी। सो आई कम बैक टू आवर स्लाइड्स। इसके अंदर जहाँ से हमने शुरू किया था इसी को मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो दूसरी टेक्स्ट बुक की तरफ आया था कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को हमने डेबिट कर दिया, कैश से पे करने वाली अगर कोई आइटम है तो उसको कैश से पे कर दिया, अगर वो डेप्रिसिएशन है तो फिर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कर दिया। तो अब हम आते हैं एलोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की जानिब। So next the journal entry is for manufacturing overheads. So we are going to do the allocation of indirect costs or overheads to the work in process account is based on the predetermined overhead rate. Seven steps में आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। हमने पहले उसमें जो है वो रेट फाइंड आउट किया, रेट फाइंड आउट करने के बाद जो है अप्लाइड एस्टिमेटेड या फोरकास्टेड जो है हमने मैनुफैक्चरिंग ओवरहेड को एलोकेट कर दिया वर्क इन प्रोसेस के। ये हम प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों एलोकेटेड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को यूज़ किया जाता है वर्क इन प्रोसेस को चार्ज करने के लिए, एक्चुअल को यूज़ नहीं किया जाता और एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट आर नेवर पोस्टेड डायरेक्टली इनटू वर्क इन प्रोसेस। तो ये जो है हम पहले शेयर कर रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। So next journal entry is products are completed and transfer out of production which is work in process to finished goods. So finished goods जब work in process को में काम complete हो गया, materials labor जो है materials put किया गया, उस पर labor और overhead जो है उसने conversion की इसके ऊपर, goods जो है वो work in process से complete होके इन प्रोसेस से कंप्लीट होकर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गई, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो गई, तो फिर हमने उसको स्टोर रूम में प्रोडक्शन वालों ने उसको भेज दिया। प्रोडक्ट्स आर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट ऑफ प्रोडक्शन टू फिनिश गुड्स। सो प्रोडक्शन मींस वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स मींस बीइंग सोल्ड अवेलेबल फॉर बीइंग सोल्ड आउट। सो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। अगर हम इसको एसेट्स के हवाले से देखें तो दोनों इन्वेंटरीज हैं, इन्वेंटरी एक एसेट है, एक इन्वेंटरी में इजाफा हो रहा है, दूसरी में कमी हो रही है, ट्रांसफर एंट्री हो रही है, एक में इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट हो रहा है, दूसरे में डिक्रीज हो रहा है वो क्रेडिट हो रहा है। ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर है। अच्छा जी, अब जब फिनिश गुड्स को स्टोर रूम को हमने ट्रांसफर कर दिया तो फिर इसकी सेल की बारी आ गई। तो सेल होने के अंदर द एसोसिएटेड कॉस्ट आर ट्रांसफर टू एन एक्सपेंस अकाउंट। ये चीज़ जो है अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स को क्लियर होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक एक्सपेंस अकाउंट है, ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंट भी है और कॉस्ट और एक्सपेंस एज सून एज एन एसेट इज यूज्ड अप इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंस। ये चीज़ आपको पता है कि फिनिश गुड्स आपका एक एसेट था, आपकी कॉस्ट थी, आपके पास एक्यूमुलेटेड कॉस्ट थी, जैसे ही वो एसेट जो है वो यूज़ अप हुआ यानी कि सेल आउट हो गया, सेल आउट होने से जो है वो एक खर्च हो गया तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया। तो जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ये अब इस वक्त हम देख रहे हैं कि एंट्री हो रही है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चूँकि एन एक्सपेंस अकाउंट है, एक्सपेंस आर ऑलवेज डेबिटेड, तो उसको डेबिट कर दिया। फिनिश गुड्स इस सारे मामले के दौरान, सेल के दौरान आप अंडरस्टूड है कि हमारे पास से कुछ जो है वो एसेट जा रहा है, फिनिश गुड्स जो है जा रही है तभी तो सेल होंगी, तो फिनिश गुड्स जो है वो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। तो द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अमाउंट्स रिप्रेजेंट्स द ग्रॉस मार्जिन ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। सो नाउ फाइनली जो है वो कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस का जिक्र हो गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस जो है when marketing or customer service costs are incurred, appropriate expense account is increased. So ये चीज़ें आप पहले financial accounting में पढ़ चुके हैं, इसमें जो है वो कोई नई बात नहीं है। So this is the same as that in this topic as well.
सेल जैसे कि हमने प्रीवियस किसी स्लाइड में देखा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट, तो उसके साथ एसोसिएटेड जो है वो रिसीवेबल की एंट्री भी होगी, सेल्स की एंट्री भी होगी। जब कभी सेल्स होती है और हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो आपको अच्छे तरीके से पता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इनिशियल कोर्सेज आप पढ़ चुके हैं कि दो एंट्रीज होती हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट और सी जी एस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट। अगर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होता तो सिर्फ यही 9 नंबर पे दी हुई एंट्री सिर्फ एक एंट्री होनी थी, उसको बाकी चीज़ों को हम और तरह से डील करते हैं। तो अब हम इस पूरे प्रोसेस को एक मरतबा से फिर से जो है एक नज़र डाल लेते हैं। सो ये आपके सामने एक जनरल लेजर की पिक्चर है और जॉब कॉस्ट एनवायरनमेंट में जनरल लेजर किस तरह से ये वर्क करता है। इसमें आप जो है सबसे पहले जहाँ मैं चाहूँगा कंसंट्रेट करें वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट के ऊपर। इसमें वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट जो है वो सभी के साथ कनेक्ट हो रहा है। सबसे ऊपर देखें इसके डेबिट साइड पे वर्क इन प्रोसेस के आपको मटेरियल्स कंट्रोल से डायरेक्ट मटेरियल्स आ रहे हैं, जो है इसी तरह पेमेंट्स लेबर की जो है पेमेंट्स हो रही हैं तो वहाँ से ये डायरेक्ट लेबर की एंट्री आपको नंबर दो पे नज़र आ रही है। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड या एलोकेटेड से जो है ये अमाउंट आपको 80,000 की जो है वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट में ये तीन नंबर पे नजर आ रही है। 1, 2, 3 आपके सामने आ गए, ये हमने सारा स्टडी किया है। और इसी तरीके से जब ये गुड्स कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर ये वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल से जो है वो फिनिश गुड्स की तरफ आ रही हैं, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट की तरफ ये मूव कर रही हैं। और फिनिश गुड्स में से अगर कोई सोल्ड आउट हो जाती हैं तो ये आपके सामने जो है क्रेडिट 180,000 जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की तरफ जा रहा है और रेवेन्यू अपनी जगह पे है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस वगैरह अपनी जगह पे हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा जो है जनरल लेजर कंप्लीट हुआ। इसके अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन जो कुछ हमने अभी जनरल लेजर में देखी है ये जनरल लेजर में वाजे तौर पर आपको नज़र आ रही है।